जैस्मीन को लेकर कई दफ़ा हमारे कई दर्शकों ने हमसे गुजारिश की थी कि हम उनके बारे में भी कुछ जानकारी दें। हमने भी काफ़ी प्रयास किया कि हम जैस्मीन के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी हासिल कर सकें, मगर हम अपने किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बावजूद भी हम उनके बारे में कुछ जानकारियां ही प्राप्त कर पाए हैं और आज वही कुछ जानकारियां हम आप दर्शकों संग भी शेयर करेंगे। तो किस्सा टीवी की ये पेशकश समर्पित की जाती है वीराना फिल्म की बेतहाशा खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मीन को। जैस्मीन के तमाम फैंस को हमारी ये पेशकश पसंद आएगी, इसका हमें पूरा यकीन है। चूंकि जैस्मीन के बारे में जानकारियों का अभाव बहुत ही ज़्यादा है, तो ये पता लगा पाना हमारे लिए भी असंभव ही साबित हुआ कि जैस्मीन का शुरुआती जीवन कैसा रहा होगा, जैस्मीन कहाँ पैदा हुई होंगी और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी होगी, इसके बारे में कुछ भी कह पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कई जगह ये दावा किया जाता है कि जैस्मीन का पूरा नाम जैस्मीन धुन्ना था। जैस्मीन की कहानी उनकी पहली ही फिल्म से शुरू होती है जिसका नाम है सरकारी मेहमान और जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना, अमजद खान, रंजीत, ओम शिवपुरी, जगदीप, बिंदु, टुनटुन और मनमोहन जैसे बड़े सितारे थे। बताया जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंडी कोठारी ने जैस्मीन को इस फिल्म में कास्ट किया था। एंडी कोठारी जैस्मीन की खूबसूरती के बड़े मुरीद थे। किसी जानकार के जरिए एंडी कोठारी की मुलाकात जैस्मीन से हुई थी। जैस्मीन की खूबसूरती के कायल हुए एंडी कोठारी ने पहली ही मुलाकात में जैस्मीन को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। चूंकि जैस्मीन का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने ये सोचकर एंडी कोठारी को इनकार कर दिया कि उनके घरवाले भी तो उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाज़त देंगे ही नहीं। लेकिन जैस्मीन को फिल्मों में लॉन्च करने का पक्का इरादा कर बैठे एंडी कोठारी किसी तरह जैस्मीन के घर वालों से मिले और उन्हें जैस्मीन को फिल्मों में काम करने देने की परमिशन देने के लिए मना ही लिया। बस फिर क्या था, एंडी कोठारी ने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही जैस्मीन को अपनी फिल्म सरकारी मेहमान में कास्ट कर लिया। फिल्म में जैस्मीन के किरदार का नाम था बिंदिया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी और जैस्मीन को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जैस्मीन ने भी अपनी पढ़ाई का हवाला देते हुए कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 5 साल बाद जैस्मीन ने एक दफा फिर फिल्मों में वापसी की। साल 1984 में आई फिल्म डाइवोर्स जैस्मीन के करियर की दूसरी फिल्म थी। इत्तेफाक से इस दफा भी एंडी कोठारी ने ही जैस्मीन को ये फिल्म ऑफर की थी, मगर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि इस दौरान फिल्म के हीरो विजेंद्र घाटगे संग जैस्मीन की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। जैस्मीन और विजेंद्र घाटगे की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी थी। चूंकि रामसे ब्रदर्स कैंप में विजेंद्र घाटगे की बढ़िया जान पहचान थी, तो जब रामसे ब्रदर्स वीराना बनाने की तैयारियों में जुटे और फिल्म के लिए किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तो विजेंद्र घाटगे ने ही जैस्मीन को रामसे ब्रदर्स से मिलवाया था। रामसे ब्रदर्स वीराना के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो और जिससे लोग ज्यादा ना जानते हों। जैस्मीन 2 फिल्मों में काम जरूर कर चुकी थी, लेकिन पहचान के नाम पर उन्हें अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। यही वजह है कि पहली ही मुलाकात में रामसे ब्रदर्स ने वीराना में लीड रोल के लिए जैस्मीन का नाम फाइनल कर दिया था। वीराना की शूटिंग शुरू हुई और उम्मीदों से एक कदम आगे बढ़ते हुए जैस्मीन ने फिल्म में कुछ बड़े ही बोल्ड सीन्स भी दिए। इन्हीं सीन्स के चलते वीराना सेंसर बोर्ड में अटक गई और इसकी रिलीज में देरी हो गई। जहां पहले रामसे ब्रदर्स इस फिल्म को 1985 या 1986 में रिलीज करने वाले थे, तो वहीं सेंसर बोर्ड में फंसने से हुई देरी की वजह से साल 1988 में वीराना को रिलीज किया गया। रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।
जैस्मीन की खूबसूरती के लोग कायल हो गए। रातों रात जैस्मीन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही जैस्मीन का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया था। 1987 में एक इंटरव्यू में जैस्मीन ने यहां तक कह दिया था कि अगर उनके हीरो की पर्सनैलिटी जबरदस्त होगी तो किसिंग सीन देने में वो जरा भी नहीं हिचकेंगी। उसी इंटरव्यू में जैस्मीन ने यह भी कहा था कि अगर राज कपूर जैसे डायरेक्टर की फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला तो वो अपने कपड़े उतारने में भी नहीं हिचकेंगी। ये बात जैस्मीन ने इसलिए कही थी क्योंकि 1985 में राज कपूर ने मंदाकिनी का एक बेहद बोल्ड सीन फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए लिया था। उसी सीन के चलते मंदाकिनी रातों रात फेमस हो गई थी। वीराना की कामयाबी के बाद फिल्मी पंडितों को लगा कि फिल्म इंडस्ट्री को वो लड़की मिल गई है जो मंदाकिनी की खूबसूरती को टक्कर देती है। लोगों को लगा कि जल्द ही जैस्मीन का कोई इंटरव्यू आएगा और लोग उनके बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। लेकिन अपने करियर की तीसरी और आखिरी व इकलौती सफल फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन अचानक गायब हो गई। ना तो उनका कोई बयान आया और ना ही उनकी कोई तस्वीर सामने आई और आज तक जैस्मीन की कोई पुख्ता खबर किसी को नहीं मिल पाई है। जैस्मीन अचानक कहां गायब हो गई और किस हाल में है? जैस्मीन जिंदा भी है या नहीं? और अगर जिंदा है तो भारत में ही है या फिर भारत के बाहर कहीं है? ये सभी सवाल लोगों के जहन में आज तक उठते हैं, लेकिन अफसोस कि इन सवालों का सटीक जवाब कभी नहीं मिल सका। अलबत्ता जैस्मीन को लेकर कई तरह की कहानियां जरूर सामने आई। किसी ने कहा कि एक कार दुर्घटना में जैस्मीन की मौत हो चुकी है। कोई कहता है कि बेइंतहा खूबसूरती के कारण अंडरवर्ल्ड के लोग जैस्मीन के पीछे पड़ गए और जैस्मीन देश छोड़कर अमेरिका में कहीं बस गई। कुछ लोग कहते हैं कि जैस्मीन अरब देश जॉर्डन में रहती हैं और वहां लोगों को योगा सिखाती हैं। वहीं कईयों ने ये दावा किया कि जैस्मीन ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, जबकि चंद ये भी कहते हैं कि उन्होंने फरीदाबाद में शादी की और वहीं पर बस गई। साल 2017 में रामसे ब्रदर्स के श्याम रामसे ने एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जैस्मीन जिंदा हैं और मुंबई में ही रहती हैं। श्याम रामसे ने उस वक्त ये भी बताया था कि वीराना की रिलीज के तुरंत बाद ही जैस्मीन की मां की मौत हो गई थी और चूंकि जैस्मीन अपनी मां से बेइंतहा प्यार करती थी तो मां की मौत का उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। जैस्मीन का दिल इतनी बुरी तरह से टूटा कि उन्होंने खुद को हर तरह की फिल्म और पब्लिसिटी से दूर कर लिया। अपने उस इंटरव्यू में श्याम रामसे ने कहा था कि जल्द ही वो अपनी बेटी साशा रामसे के साथ वीराना के सीक्वल पर काम शुरू करने वाले हैं और हो सकता है कि वीराना के सीक्वल में जैस्मीन मां के रोल में नजर आ जाएं। श्याम रामसे के इस बयान से जैस्मीन के लाखों फैंस के चेहरों पर चमक आ गई थी। मगर 2019 में जब श्याम रामसे की मौत हुई तो जैस्मीन के फिर से सामने आने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। उनकी मौत के बाद वीराना के सीक्वल पर काम होगा कि नहीं होगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैस्मीन के बारे में हम इतनी ही जानकारियां जुटा पाए हैं। ये जानकारियां भी हमने कुछ आर्टिकल्स और इंटरनेट पर मौजूद दूसरे यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस से ली हैं। जैस्मीन जहां कहीं भी हैं, किस्सा टीवी उनकी सलामती और बेहतर जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और साथ ही ये ख्वाहिश भी जताता है कि किसी दिन जैस्मीन खुद सामने आएंगी और वीराना के बाद की अपनी कहानी अपने फैंस के साथ शेयर करेंगी। जय हिंद।